क्या हाल है दोस्तों, मैं मनप्रीत फिर से आप सबके सामने आया हूँ इन्वेस्ट एकेडमी पे। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल लोगों को काफ़ी चिंता हुई पड़ी है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेके। लोगों को ये लग रहा है कि यूएस और ईरान में वॉर होती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स में बने रहें या अपने पैसे को रिडीम कर लें। दोस्तों एक बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ये बात सच है कि शॉर्ट टर्म में इन सब चीज़ों का मार्केट पे असर पड़ता है, और असर इतना पड़ता है कि मार्केट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो जाती हैं। मतलब एक दिन 2% ऊपर, दूसरे दिन 3% नीचे। बट आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या एक साल के लिए तो इन्वेस्टिंग करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हैं। तो इन सब चीज़ों का, जैसे कि वॉर या 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, यूके में ब्रेग्जिट हुआ था, किसी कंट्री की गवर्नमेंट चेंज होती है, मिडिल ईस्ट में टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, डॉलर अप्रिशिएट होता है, रुपी वीकन होता है, तो ये सब चीज़ें, बिकॉज इंडिया भी वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा है तो हम भी इन सब चीज़ों से अछूते नहीं रहेंगे। बट इन सब चीज़ों से हमारी इन्वेस्टमेंट से, हमारे इन्वेस्टमेंट बिलीफ में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, इकॉनमी कभी ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। ये तो शेयर मार्केट का असूल है, शेयर मार्केट चलती ही ऐसे है, डिप्स एंड अप्स, मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। ये तो एक्चुअल में शेयर मार्केट का धर्म है, उसका कर्तव्य है, उसने ऐसे ही करना है। और उस चीज़ के लिए कोई ना कोई ट्रिगर तो होगा ही, अगर कोई ट्रिगर नहीं होगा मार्केट्स के लिए तो मार्केट्स वॉलेटाइल होंगी ही क्यों, मार्केट्स ऊपर नीचे जाएंगी ही क्यों। हम सबको ये बात समझनी चाहिए और ये अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहना चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए। मीडिया में शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ आती रहेगी कि मार्केट इतना चली जाएगी, इस चीज़ का निफ्टी पे ये असर पड़ेगा, सेंसेक्स इतना नीचे आ जाएगा, बट हम सब प्राइजेस पे फोकस कर ही क्यों रहे हैं। हम सबका फोकस होना चाहिए वैल्यू क्रिएट करने पे, अपना कॉर्पस क्रिएट करने पे, अपने गोल्स को मीट करने पे। मतलब मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि अपने बिलीफ को स्ट्रांग रखिए और मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट होगी ही होगी। थैंक यू दोस्तों, हो आप सबको मेरी बात समझ आई हो और मैं आप में से किसी की भी इस चीज़ में हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।